देश की राजधानी दिल्ली में देश के लिए पदक जीतने वाले पहलवान धरने पर बैठे। भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के विरोध में चल रहे इस प्रदर्शन में शामिल महिला पहलवानों का कहना है कि उनके साथ यौन शोषण हुआ। इस लड़ाई में उन्हें विपक्ष के कई बड़े सियासी चेहरों का साथ भी मिल रहा, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो इस धरने पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही। कई ऐसे तथ्य हैं जो इस प्रदर्शन की प्रासंगिकता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो चलिए आज इन तथ्यों पर खुलकर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पहलवानों का ये धरना आखिर कितना जायज है, किसके इशारे पर काम कर रहे हैं पहलवान, क्या पहलवानों के आंदोलन ने बदल दिया है अपना रुख, क्या एक सियासी साजिश का मोहरा बन रहे हैं पहलवान, क्या मोदी सरकार को टारगेट करना है धरने का मकसद, कहीं ये लड़ाई उत्तर प्रदेश बनाम हरियाणा तो नहीं, आखिर क्यों चुप है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम मीडिया। दिल्ली में चल रहे पहलवानों के प्रदर्शन को अब शाहीन बाग के प्रदर्शन से जोड़ा जाने लगा। पहलवानों का ये प्रोटेस्ट शाहीन बाग की तरह विपक्ष और आंदोलन जीवियों का कॉकटेल बनकर रह गया। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी वजह बिल्कुल साफ है। आपको याद होगा कि शाहीन बाग में जो प्रदर्शन पर बैठे थे वो एक खास एजेंडे के तहत प्रदर्शन कर रहे थे। आपने उस वक्त भी गौर किया होगा कि विपक्ष के सभी नेता शाहीन बाग के आंदोलन को हवा दे रहे थे और यही काम हो रहा है पहलवानों के इस प्रदर्शन में। कुछ को छोड़कर समूचा विपक्ष इस आंदोलन को सफल बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। अब हालांकि उनकी सफलता का पैमाना क्या है इसे जरा समझना पड़ेगा। वो शायद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी चाहते हैं और यही आंदोलनकारी पहलवानों की भी इच्छा है। बृजभूषण शरण सिंह की अगर गिरफ्तारी होती है तो इसमें पहलवानों और विपक्षियों दोनों को फायदा होता है। पहलवानों का इसमें कैसे फायदा है, चलिए पहले ये समझ लेते हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि ये पहलवान सीधे अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में उतरना चाहते हैं, घरेलू स्पर्धाओं में खेले बिना, क्योंकि अगर नेशनल लेवल पर हार गए तो रास्ता बंद हो जाएगा और किरकिरी होगी वो अलग से। अगर सीधे जाकर कोई मेडल मिल गया तो रुपए की बरसात होगी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से, जमीन मिलेगी अखाड़ा खोलने के लिए और सम्मान समारोह भी होंगे। लेकिन ये सब तामझाम तभी हो पाएंगे जब ये नए खिलाड़ी का रास्ता बंद होगा, और नए खिलाड़ियों का रास्ता बंद होगा जब बृजभूषण शरण सिंह इस्तीफा देकर गिरफ्तारी देंगे। आपको यहाँ बताते चले कि बृजभूषण शरण सिंह चाहते हैं कि अब नए पहलवानों को मौका दिया जाए। उनका कहना है कि पहलवानी में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस की उम्र 22 से 28 के बीच की होती है। प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ी इस एज ग्रुप से बाहर निकल चुके हैं, लिहाजा उनके लिए ओलंपिक मेडल जीतना इतना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि वो नए पहलवानों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनकी सोच को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। खैर, अब विपक्षियों को बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी से क्या फायदा होगा ये भी समझ लीजिए। अगर बृजभूषण शरण सिंह जेल जाते हैं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का नुकसान है, क्योंकि कुश्ती संघ के अध्यक्ष होने के साथ साथ वो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर सांसद भी हैं। जेल गए तो भाजपा बैकफुट पर आ जाएगी और विपक्षियों को आम जनता को बरगलाने का मौका मिल जाएगा। मतलब कुल मिलाकर वोट की राजनीति, अपनी सियासत चमकाने के लिए विपक्षी लोग इन पहलवानों को अपना मोहरा बना रहे हैं। फिलहाल अब आते हैं दूसरे पहलू पर, जो है उत्तर प्रदेश बनाम हरियाणा से जुड़ा हुआ। पहलवानों के प्रदर्शन के इस मुद्दे को उत्तर प्रदेश बनाम हरियाणा की लड़ाई कहा जा रहा है। दरअसल धरने पर बैठे ज्यादातर पहलवान हरियाणा के, हरियाणा की खाप पंचायत भी उनके समर्थन में खड़ी दिखाई दे रही। जिनके खिलाफ ये सब प्रदर्शन कर रहे हैं यानी बृजभूषण शरण सिंह, वो उत्तर प्रदेश के बाहुबली सांसद हैं, जबकि उनके खिलाफ यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगा रही विनेश फोगाट, साक्षी मलिक समेत धरने पर मौजूद ज्यादातर महिला पहलवान और उनके समर्थन में खड़े बजरंग पुनिया जैसे पुरुष पहलवान हरियाणा के हैं। हरियाणा के अन्य खेलों से जुड़े खिलाड़ियों ने भी अपने राज्य की पहलवानों का समर्थन किया। वहीं इसके उलट उत्तर प्रदेश के पहलवान बृजभूषण शरण सिंह का समर्थन कर रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स पदक विजेता और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की पहलवान दिव्या काकरान ने बाकायदा एक वीडियो जारी कर बृजभूषण शरण सिंह का समर्थन किया। भले ही हरियाणा की अंदरूनी राजनीति में भाजपा और कांग्रेस के नेताओं में जितना भी बैर हो, लेकिन हरियाणा की महिला पहलवानों को लेकर उनके बयान एक सुर में दिखाई दिए। पहलवानों के समर्थन में हरियाणा के कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी उतरे थे
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी अपनी ही पार्टी भाजपा के सांसद ब्रिजभूषण के खिलाफ बयान दे चुके हैं। तो ऐसे में अब कहा जा रहा है कि ये लड़ाई उत्तर प्रदेश बनाम हरियाणा की है। चलिए अब आते हैं सबसे बड़े पहलू पर, और वो है उत्तर प्रदेश में विपक्ष के सबसे महत्वपूर्ण चेहरे यानी अखिलेश यादव की खामोशी पर। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने अभी तक इस पूरे मुद्दे पे कोई भी बयान नहीं दिया। मामला बीजेपी सांसद से जुड़ा हुआ है, बावजूद इसके उन्होंने इस मसले पर अभी तक अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जो कि अपने आप में काफी अचंभा है। वो छोटे से छोटे मुद्दे को लेकर भी भाजपा पर टूट पड़ते हैं, लेकिन इस बड़े मुद्दे पर भी वो खामोशी इख्तियार किए हैं, और अखिलेश यादव के इस खामोशी पर ब्रिजभूषण शरण सिंह ने उनका धन्यवाद किया। दरअसल ब्रिजभूषण शरण सिंह ने जब पूछा गया कि अखिलेश यादव जंतर मंतर पर विरोध करने वाले पहलवानों के पास क्यों नहीं गए, जबकि कई विपक्षी नेता वहां पहुंचे, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा, मैं अखिलेश यादव का धन्यवाद देता हूँ, वो सच्चाई जानते हैं, हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। उत्तर प्रदेश के 80% पहलवान समाजवादी पार्टी के विचारधारा वाले परिवारों से हैं। वे मुझे नेताजी कहते हैं, वे जानते हैं कि नेताजी सब कुछ कर सकते हैं लेकिन किसी का यौन शोषण बिल्कुल नहीं कर सकते। खैर सच जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है और वो ये है कि पहलवानों का ये प्रदर्शन अब पूरी तरह से राजनीतिक हो चुका है। तमाम विपक्षी दल इसमें अपने अपने तरीके से आहूतियां डाल रहे हैं। वो समझ चुके हैं कि जब कोई हथियार काम न करे तो यौन शोषण का आरोप जरूर काम करेगा, क्योंकि हमारा देश मी टू और यौन पीड़न की बीमारी को लेकर बहुत सजग हो गया है। जहां रेप होने को एक मामूली घटना मान लिया जाता है और महज एक आरोप को अंतर्राष्ट्रीय अखाड़ा बना दिया जाता है। हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ टाइम।